अरे वो मेरा पाप है, पितिया है, चाचा है, उस जितेबे करेंगे, वो गरीब का मसीहा है। लालू यादव कह रहे हैं, हम यादव सब के हम लोग का भाई है, दुआ देने आए थे भाई को, दुआ दिए, जीता करेंगे, जीता करेंगे, जीता के रहेंगे। ऐसे नहीं कि कोई उठा के उसको खड़ा किया। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया और अभी हम पप्पू यादव के आवास पर हैं पूर्णिया में, और यहाँ पर देखेंगे तो उसके चाहने वाले जो उसके समर्थक थे चुनाव प्रचार करने के बाद यहाँ आए, और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उसके जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर हैं। और आप अर्जुन भवन देख पा रहे होंगे जो पप्पू यादव का आवास है यहाँ पर, और बहुत सारी महिलाएं भी आई, कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए आई हुई थी। दादी जी पप्पू यादव के लिए आई हुई थी? पप्पू यादव के लिए वोट दे रहे हैं? जीत रहा बेटा आपका? आपका बेटा जीतेगा ना? मेरा बेटा तो कौन जीतेगा, आशीर्वाद है इनका, जीतेगा, हम लोग का भाई है। कहाँ आए हुए थे? पप्पू यादव के पास। हाँ, क्या पप्पू यादव से क्या बातचीत हुई? कुछ उनसे तो बातचीत नहीं हुई है। जीत रहे हैं चुनाव? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। दुआ है कि जीतेगा, बहुत बहुत मेहरबानी। दुआ देने आए थे भाई को? दुआ दिए, जीत रहा है भाई? हाँ जीतेगा, सब जीतेगा, जीता करेंगे, जीता करेंगे, उसको जीता के रहेंगे। जीत रहे क्या कह रही है? सब महिला वोट दे रही है पप्पू यादव को? सब दे रहे हैं पप्पू यादव क्या कह रही है? बेटा को आशीर्वाद दे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जिताना है पप्पू यादव को, जिताना है। अच्छा आप लोग घूमे भी हैं क्या साथ साथ? इतना मेहनत कर रहे हैं अपने भाई के लिए? कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। जीतबे करेगा, जीतेगा, जीतेंगे। अच्छा पहले अगर नहीं थे तो पहले दूसर का वोट देते थे? देते थे, मगर इस बार पप्पू भैया को ही जीते, इस बार पप्पू भैया नारियल छाप के उठे थे, जीते थे, इस बार भी भैया जीतेंगे और हम लोग को मदद करते हैं। कुछ महिला है बात करेंगे, पप्पू भैया जिंदाबाद कर रहे हैं। कहाँ आई थी पप्पू भैया के पास जिताने के लिए? भैया के पास आई थी जिताने आए थे? जीत रहे भैया, जीत रहे, बहुत जोर से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहा है पप्पू। आप लोग साथ साथ घूमी भी है? हाँ, तो क्या है माहौल, क्या है पूर्णिया का माहौल? बहुत अच्छा, बता नहीं पाएंगे। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो पूछते हैं वो लोग हम लोग से, जो मतलब आप लोग कौन सा पार्टी से हैं, कौन सा पार्टी से आए हैं। अगर थोड़ा देर मुंह बंद रख लेते हैं तो बोलते हैं बताइएगा कि भगा दे। अच्छा हाँ बताइएगा कि भगा दे, तो लास्ट में बताते हैं जो देखिए हम लोग पप्पू भैया के कर नाम बोलते हैं तो भगाने का बात करते हैं। और क्या बताएंगे आपको, जिसको समझ सारा किसके तरफ इशारा, सुनिए ना, जिसको ऐसे उठा के खड़ा किया गया है, उठा के ना खड़ा किया गया है, उसी के बारे में। और पहले जो हम लोग के सांसद थे उसी के बारे में, जो सांसद जी किए क्या है, बहुत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में तो सांसद जी का नाम भी नहीं जानते। मतलब कह रहे हैं कि आप रिमोट कंट्रोल थे का? कहां से? हाँ, आप कह रहे उठा के खड़ा किया, उठा के खड़ा हुआ है ना, उसको कौन पहचानता है, उसको कौन पहचानता है, अपना पहचान वो क्या बनाई। और पप्पू यादव पूर्णिया के लिए नहीं, पूरा बिहार के लिए पहचान है, पप्पू यादव पहचान का मुस्ताज नहीं है, पूरा बिहार में जो बच्चा आज पैदा हुआ है ना वो भी जानता है, जो कल मरने वाला है वो भी जानता है। और ऐसे नहीं कि कोई उठा के उसको खड़ा किया है। तो क्या लग रहा है कि लालटेनों का बत्ती कैंची से कट जाएगा? अभी अभी आप बताइए, नहीं नहीं अभी आप बताइए, कट गया, फूट गया लालटेन, फूट गया, नहीं नहीं अभी का डेट में मिट्टी का तेल मिलता है कहीं? मिट्टी का तेल मिलता है कहीं? नहीं मिलता है। महिला है आप लोग, बीमा भारती भी महिला है, बोलती है महिला से हम रेजर है। हाँ, क्या करेंगे, जिसका जो सोच है वो अपना सोच रखेगी, हम लोग का सोच में ऐसा नहीं है। महिला अपना जात चरण नहीं जाइएगा, कैसे काम करेगी, हम लोग को नहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे पास जदयू में वो भी थी, जदयू में वो भी थी और जदयू में हम भी थे, एक साथ साथ मीटिंग किए थे, एक बार नहीं हम 100 फोटो दिखा देंगे उसके साथ मेरा। लेकिन कब वो खोजी शांति झा को, कब वो खोजी पप्पू यादव, फोन
से कैसे है क्या तो हुआ? जी का पूरा समर्थन मिल गया है। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये जात आदमी ऐसा है, न जात है इसके पास में, न धर्म है, न मत क्या कहता है, न अमीर है न गरीब है, न गरीब है न अमीर है, सब इसके लिए बराबर है। तो क्या हो गया ब्राह्मण? आप देखिए ना जाकर के वन वन की और उसके बाद धंधा रुपोली नहीं चंपा नगर मसूरिया सब में सब जगह हम खुद गए हैं और सब जगह ब्राह्मण की जय हो रहा। हम जादव कह रहे हैं, हम जादव सब के सब बाबा कौवा मेरा कहने से कुछ नहीं होता है। चार तारीख को देखिएगा ना, अभी देख रहे हैं क्या, सुनिए ना, कौवा उड़ रहा है, सुनिए ना, नहीं अभी देखिए वो गुस्सा से उसका दिमाग में माइंड बैकअप हो गया, माइंड मेकअप हो गया जो हम हार गए हैं। तो क्या बोलते हैं, कोई कोई आंचर पसार रही है भीख लेने के लिए और कोई क्या बोलता है, सुनते हैं ना, एनडीओ को जुटाइए। छोटका भाई जो है तेजस्वी आते हैं बोलते हैं हमरा दे दीजिए, नहीं तो एनडीओ को दे दीजिए। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, उसी के बारे में तो बोल रहे हैं आपको, जैसे भीख मांग रहा है। हम सब से भीख मांग रहा जनता लोग से भीख मांग रही है तो नहीं क्यों देंगे, नहीं देंगे मेरा को कहे दीजिएगा पप्पू यादव को कहे। अरे वो मेरा पाप है, पितिया है, चाचा है, उसे जितेबे करेंगे। वो गरीब का मसीहा है और वो सब जो है ना बड़का आदमी को बड़का टका देने वाला वो आदमी सब है। अच्छा। गरीब रखने वाले पप्पू यादव जो कल थे वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे, एकदम रहेंगे, एकदम विश्वास है। हाँ, एकदम विश्वास, विश्वास नहीं रहेगा उसको। देखिए ना, गरीब से मतलब है ना अमीर से मतलब है, आप कहाँ से आए हैं वो भी नहीं पूछते हैं, आप कौन सा जात से है वो भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ पूछते हैं आपका काम क्या, आप क्या काम से आए हैं। तो जो आदमी थरिया में पप्पू जी खा लेगा बैठ करके, आ जाइएगा दूसरा नेता को कहिएगा ना, तो नहीं पानी भी नहीं पिएगा आपको कॉल का, पानी पिएगा करने के लिए सर। तू कहेगा 15 मिनट क्या होता है उसको, कोरोना आफत कोई नेता आया था खोजने के लिए कि मेरा पब्लिक कहाँ मर रहा है, मेरा जनता कहाँ है, यो नहीं आया खोजने के लिए। यही पप्पू यादव है कि अपना पब्लिक के भी खोजा, जनता लोग के भी खोजा, तन तनी का बच्चा भी जाइएगा ना गांव तो उसमें घुसिएगा, वो क्या कहेगा पप्पू यादव। आप वोट से जीत रहे हैं मैडम, हमको तो लग रहा है 4 लाख से ऊपर जीते, 4 लाख से पेशीस जीते, 7 लाख सर, 7 लाख से उधार आया। देखिए यहाँ पर पूर्णिया में महिलाएं थी जो कह रहे हैं कि हम अपने भाई पप्पू यादव को दुआएं देने आए थे, और क्या कुछ कह रही थी ये महिला आपने सुना। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कौन है पूर्णिया से आपके पहले पसंद की उम्मीदवार, कमेंट करके लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।